हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रोहित राडा चैनल। तो दोस्तों, फाइनल रॉयल एनफील्ड तरफ से एक न्यू बाइक लॉन्च होने वाला है। ये है 350 सीसी रॉयल एनफील्ड का बी एस 6 मॉडल का मेट्रो। ये बहुत जल्दी आपको रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये अभी लॉन्च करने वाला इंडिया में। ये अभी आपको दिखाई मिल रही है गाड़ी की तरफ से कुछ इमेज जो आप देख रहे हैं, लीकेज हुआ। ये अभी देख सकते हैं उसको, पीछे का लुक्स, आगे का लुक्स, पूरी आपको ये रॉयल एनफील्ड का थंडर वर्ल्ड की तरह ही आपको दिखने के मिलता है। लेकिन ये थंडर वर्ल्ड की तरह नहीं है, इसका लुक्स और इसका जो पीछे का जो आप देख रहे हैं हेडलाइट, इसके पीछे का डिजाइन, ये आपको नया, आपको अलग दिखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं इसका एलॉय जो पीछे आगे आपको 100 का मिलता है, आपको टायर आगे पीछे आपको 130 का टायर मिल जाता है। इसका लुक्स एक नंबर लग रही है, बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। आप देख रहे हैं इसका 350 सीसी का इसका इंजन आपको पूरा चेंजेस मिलेगा गाइस। इसका जो डिज़ाइन, इसका जो फीचर आपको देखने को मिलता है, कुछ नया आपको देखने को मिलता है इस तरह से। तो ये अभी ये आपको देख रहे हैं पीछे का लुक्स भी अभी आपको किस तरह से दिखने को मिलता है गाइस। तो फाइनली ये अभी लॉन्च होने वाला है 2021 तक, ये जनवरी या फरवरी तक ये बाइक लॉन्च होने वाला गाइस। तो इस बाइक में आपको सेम 350 सीसी का मिलता है इंजन। तो इसका जो कलर आप देख रहे हैं, कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में गाइस। इसका जो पीछे का जो डिश वो भी आपको चेंजेस लगता है, आगे का डिश ये भी आपको कुछ बड़ा साइज के देखने को मिलता है। इसमें डुअल चैनल मिलता है ABS, इसका आप डिजिटल मीटर आप देख रहे हैं, आपको फुल्ली आपको डिजिटल मीटर मिलता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है रॉयल का तरफ से, ये पहला बाइक जो फुल्ली आपको डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलता है गाइस। इसका टॉप स्पीड भी बढ़िया है, 147-135 इसका टॉप स्पीड है गाइस। इसका जो डिज़ाइन और इसका जो आप देख रहे हैं टंकी के सामने ये डिज़ाइन रॉयल एनफील्ड, ये मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये बहुत जल्दी अभी लॉन्च होने वाला है हमारे इंडिया में, अभी इसका टेस्ट राइड ले रहे हैं। तो यही है दोस्तों, मैं आपको जानकारी दिया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा। चलो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।